हेलो एंड गुड मॉर्निंग। नवी सवेर की शुरुआत नाल नवे दिन की शुरुआत हो गई है। तो टाइम होया इस वक्त सवेर दे 9 o'clock, 9 बजे आ। तो इस वक्त फार्म दे विच कीती जा रही है वीट स्प्रे। वैसे तो घर घा जिहड़ा ऑलरेडी सुक्या होया गा, फिर भी दोबारा थोड़े जे दिनों बाद दोबारा फुट आउंदा, सो एक बार फिर तो वीट स्प्रे कीती जा रही है। अज आप थोड़ी बहुत जानकारी शेयर करांगे स्प्रेहां दे बारे। तो सब तो पहला जिहड़ियां दो स्प्रे एप्पल दे दरख्तां दियां जां एप्पल दे बूटियां दियां जड़ां चों घा मारन लई कीतियां जांदियां, वो हैगियां एगनाइट ते राउंड अप। ये दोनों कीतियां जांदियां। दो या तीन वीक बाद घा जिहड़ा एक बारी मरन तो बाद दोबारा फिर हरा हो जांदा। सो दो तो लैके तीन वीक दे विच विच ये जिहड़ियां स्प्रे आ दोनों ये करनियां ही पैंदियां गियां। तो एगनाइट दे या राउंड अप दे नाल नाल एक आ स्प्रे कीती जांदी आ प्रोल H2O। ये कीती जांदी आ कि जिहड़ा वह घा दा बी हुंदा गा वह बी नूं भी खत्म कर दिता जावे, उहदे वास्ते एक आ वाली स्प्रे इन्हां दे नाल नाल कीती जांदी आ। उस तो इलावा एक आ मैनजेट हैगी आ, ये कीती जांदी आ, ये हुंदी आ फंगस तो जिहड़ी फंगस लगदी है ट्रियां नूं ते एप्पलां नूं, उहदे लई आ जिहड़ी स्प्रे आ एक कीती जांदी है। ते ए फ्लिंट आ जिहड़ी ए कीती जांदी आ, इहदा काम हुंदा गा एप्पल दे उत्ते जदों मींह पैंदा ते एप्पलां दे उत्ते कोई भी जिहड़ा दाग ना पवे उहनां दागां नूं रोकण लई आ फ्लिंट कीती जांदी आ। ते ए जिहड़ी स्प्रे आ हर 10 दिनां बाद ए कीती ही जांदी आ, हर 10 डेज़ बाद इहनूं करना जरूरी हुंदा। तो नैक्सट वाली हैगी है क्लोजर, ये क्लोजर स्प्रे भी जिहड़ी आ फंगस तो हुंदी आ, जदों मींह पैंदा गा एप्पल दे जिहड़े ट्री उहनां नूं फंगस लग जांदी आ, एप्पलां नूं भी फंगस लग जांदी आ, तो वह सब तो बचा लई ए वाली स्प्रे भी करनी पैंदी आ थोनू। तो इहदा नाम हैगा क्लोजर। उस तो इलावा आ बोट्रैक ते जिंक ट्रैक आ, जदों भी दूजियां स्प्रेहां कीतियां जांदियां जिद्दां लास्ट वाली स्प्रे दसी आ मैं फ्लिंट कीती जांदी आ, उदों इहनां नूं भी विच पाया जांदा गा। फ्लिंट की जिहड़ी मात्रा गी वह 400 गैलन दे स्प्रे टैंक दे विच 135 ग्राम ते नाल नाल एक एक लीटर आ वालियां दोनों जिंक ट्रैक ते बॉ ट्रैक ये दोनों पाईयां जांदियां, नाल ये भी कीतियां जांदियां। ते नाल दी नाल आ सारे फर्टिलाइजर आ जिहड़े ATS फर्टिलाइजर आ, ये भी नाल दी नाल रेगुलर चलते ही रहिंदे। उस तो बिना एक ये स्प्रे आ ते मे बी मैं इहदा नाम सही तरह प्रोनाउंस ना कर सका, कुमुलस इहदा नाम, ये भी फंगस तो की जाती है ते नाल दी नाल तेले नूं खत्म करने इस दा इस्तेमाल किया जाता गा। सो एक आ वाली स्प्रे हैगी जिहदा नाम हैगा कल्ट्रैक, ते ये जिहड़ी हैगी आ ये तुसीं ला लो भी सनस्क्रीन लोशन अर्गी आ, है ना, जदों एप्पल बन जाते हैं तो उन्हां दी स्किन नूं सनबर्न होण तो यह बचाउंदी आ। तुसीं कह सकदे कि एक तरह दा सनस्क्रीन लोशन आ एप्पल्स दे वास्ते, ते ये भी जिहड़ी आ चलदी रहिंदी आ जदों एप्पल बन जाते उदू बाद। स्टार्ट की तैयारी शुरू हो गई आ, तो टाइम होया इस वक्त शाम के 8 बजे होया, तो स्प्रे करन दी तैयारी हुण शुरू आ। तो ये जिहड़ी स्प्रेयर आ ये 400 गैलन की आ, मैं पहला ही दस्या कि जिहड़ा ये स्प्रे टैंक आ ये 400 गैलन का हुंदा, सो इत्थे लिखिया भी होया 400 US गैलन, ते नाल नाल उहदी पूरी जिहड़ी हैगी आ दित्ती आ कपैसिटी कित्थे, इत्थे जिवें 260 हो जांदा 280 हो जांदा, ते नाल दी नाल लीटर्स दे विच वी दस्या होया इहदी कपैसिटी 1438 लीटर आ। ते जिहड़ी आह वाली पाइप आ इह जदों आपां इहदे च पाणी भरदे आ आह ब्लू जिहा जिहड़ा डॉट लगदा इहने उवें जिन्ना जिन्ना टैंक ने भरी जाणा उवें उवें इहने उपर नूं जाई जाणा कि पाणी भरदे टाइम आपां नूं पता लग जांदा कि हुण किन्ना पाणी इहदे च पै गिया गा। स्प्रेयर टैंक आ जिहड़ा उहदे विच पाणी छड्डता गया गा, पाणी नाल भर के फिर इहदे विच स्प्रे पाई जाऊगी, ते इहदे अंदर एक जाली जी भी लगी आ जिस करके कि कोई कीड़ा मकौड़ा जां कोई फालतू चीज़ गत्ता पत्ता वह विच ना जावे। ते अज जिहड़ी स्प्रे कीती जानी आ इहदा नां जिवें मैं पहलां दस्सिया फ्लिंट आ, ते इह 135 ग्राम पैंदी आ 400 गैलन वाले स्प्रेयर टैंक दे विच, ते इहदे नाल नाल जिंक ट्रैक ते बोट ट्रैक एक एक लीटर ये बिना मिने तां पाईआं क्योंकि इन्हां केनियां दे विच इन्हां गैलणां च उन्नियां की आ जिन्नी एक मात्रा चाहीदी आ।
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ATS ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਉਹ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਸੋ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀ ਆ, ਸਪਰੇਅਰ ਟੈਂਕ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਤੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਵਕਤ 8:47 ਸ਼ਾਮ ਦੇ। ਦਿਨ ਹਜੇ ਕਾਫੀ ਖੜਾ ਗਾ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਕਾਫੀ ਲੇਟ ਛਿਪਦਾ ਗਾ। ਟਰੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਸ ਔਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦਿਨ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਰੋਆ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਘਾਹ ਨਾ ਕੱਟਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਆ। ਉਹ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਘਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਅਤੇ ਮੱਛਰ ਟਾਈਪ ਕੁਛ ਕੀੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੁਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਘਾਹ ਕੱਟਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਐਪਲ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਫੁੱਲ ਹੈਗੇ ਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਾਹ ਕੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਆਹ ਫੁੱਲ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਲ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਉਨਾ ਚਿਰ ਫਾਰਮ 'ਚੋਂ ਘਾਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਫਲ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਫੁੱਲ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫਲ ਬਣ ਜਾਣਾ ਗਾ। ਸਪਰੇਅਰ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰੇਅ ਆ ਉੱਪਰ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਟਰੀਆਂ ਦੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਸਪਰੇਅਰ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਟਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਸਪਰੇਅਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।